नमस्कार दोस्तों, कृष्णा फूड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पानी पूरी का पानी, जो कि बनाने में बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनता है। आज मैंने दो तरह के पानी बनाए हैं, एक खट्टा और एक मीठा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। आप देखिए, पानी को देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक जार लिया है। जार में मैंने एक कप धनिया के पत्ते लिए हैं, उन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था और साफ़ कर लिया था। आधा कप मैं इसके अंदर पुदीना ले रही हूँ। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है मैंने। चार पांच हरी मिर्च ली है। आधा कप इसके अंदर अब हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हमने ब्लेंड करना है, ग्राइंड कर लेंगे इसको अच्छे से। लीजिए, हमारे ग्राइंड हो गया। लीजिए, बिल्कुल चटनी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इस चटनी को एक बॉल में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है चटनी का। अब हमने जिसके अंदर पानी मिल बनाना है उस बॉल में डाल लिया है चटनी को। अब हम इस चटनी के अंदर एक से लेकर डेढ़ लीटर के बीच में पानी डालेंगे, जितने आपको आवश्यकता हो। एक लीटर डल जाता है। मैंने फ्रिज का चिल्ड वाटर लिया है ये। अब इसके अंदर एक चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च की जगह आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं। भुना हुआ जीरा एक चम्मच, थोड़ी सी हींग एक चुटकी। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। मुझे पानी के अंदर लाल मिर्च का टेक्सचर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लाल मिर्च डाली है। आप चाहे तो काली मिर्च डाल सकते हैं। यकीन मानना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब भी आप पानी बनाएं तो एक बार थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालकर देखिएगा। अब मैं इसके अंदर दो चम्मच पानी पूरी मसाला डाल रही हूँ, जो कि मार्केट में आम आसानी से मिल जाता है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। दो चम्मच नींबू का रस डाला है मैंने पानी को खट्टा बनाने के लिए। इसके अंदर आप इसकी जगह इमली भी डाल सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करके थोड़ी देर रहने दे रख दीजिए पानी को, 10-15 मिनट, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिल जाए पानी में और अपना स्वाद छोड़े पानी में। देखिए, पानी हमारा आराम से बनकर तैयार भी हो गया है। कुछ लोग इसको बिना छना हुआ पीते हैं, हम इसको छानेंगे, क्योंकि मुझे जो स्मूथ पानी बहुत अच्छा लगता है। लीजिए, छलनी के अंदर अब हमने इसको पानी को छान लेना है। जो भी हमारे थोड़े से तिनके तुन का कुछ भी होता है वो सब अलग हो जाता है इससे। देखिए बस कितना सा निकला है, बस ये आधा चम्मच भी नहीं है। ये देखिए, स्मूथ पानी हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर दो चम्मच चीनी डालेंगे, थोड़ा सा पानी को मीठा बनाने के लिए। अब हम इसके अंदर नमकीन बूंदी डालेंगे, जो कि हम रायते वाली बूंदी यूज़ कर रही हूँ मैं। लीजिए, इसको भी अच्छे से मिक्स करिए। अब पानी को ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। आप चाहे तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। मैंने मीठा पानी भी बनाया है। मीठे पानी के लिए मैं इसके अंदर इमली की चटनी डालूंगी, जो कि मैंने पहले से बनाकर रखी हुई है, और इसकी वीडियो का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लीजिए, मीठा खट्टा दोनों पानी हमारे बनकर तैयार हो गए। आप भी इसको बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई रेसिपी पसंद आई है तो कृपया करके कृष्णा फूड एक्सप्रेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के